जितने भी बाई और सेल के जितने भी स्टेप हैं, चाहे वो एक किराने स्टोर से खरीदने के टाइम पर जब आप स्कैन करते हैं पेमेंट के लिए, या फिर आप बिजली का बिल जमा करते हैं घर में बैठकर ऑनलाइन, या फिर आप रिजर्वेशन के काउंटर पर नहीं जाते हैं लाइन में लग करके टिकट बुक करने के लिए, ये सब कुछ हो गया पिछले कुछ समय और हम आ गए डिजिटल इंडिया के दौर। तो प्रश्न ये है कि जो सफर बाटर सिस्टम से शुरू हुआ था आ चुका है इलेक्ट्रॉनिक मनी पर, व्हाट इज नेक्स्ट? कुछ तो नया होगा आने वाले दौर में, कुछ तो नया होगा। तो जब कुछ तो नया होने की बात होती है तो लोग जो दूरदर्शी हैं, जो लोग इंडस्ट्री को समझते हैं, वो ये कहते हैं कि जो आने वाला टाइम है वो क्रिप्टो करेंसी का, आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी एक लेन देन का माध्यम बन सकता है। तो क्या है इसके बारे में और क्या है इस इंडस्ट्री के बारे में, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि जो इंडस्ट्री आज आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, ये इंडस्ट्री आज की डेट में जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं ट्रिलियन डॉलर बन चुकी है, बनेगी नहीं, बन चुकी है। एक होता है एक इंडस्ट्री में आप इस इंडस्ट्री में आज पार्टिसिपेट करिए ये कुछ बड़ा हो जाएगा, तो वहां पर एक प्रिडिक्शन होता है कि भाई होगा कि नहीं होगा, बट यहां पर आज जो इंडस्ट्री आपके सामने चर्चा कर रहा हूं ट्रिलियन डॉलर बन चुकी सिर्फ पिछले एक दशक में, और 24 घंटे सातों दिन काम करने वाली अपने आप में दुनिया की चौथी मार्केट, किसी भी मार्केट से आप कंपेयर कर सकते हो। फिजिकल मार्केट तो वैसे भी नहीं काम कर सकती 24 घंटे सातों दिन, बट चाहे ट्रेडिशनल मार्केट आप समझ लीजिए, बट अगर हम बात कर लें दूसरी मार्केट्स की, जैसे शेयर मार्केट 3:30 बजे बंद हो जाता है, टाइम की लिमिटेशन है। फॉरेक्स मार्केट सैटरडे संडे यानी वीकेंड बना लेते हैं, बट ये अपने आप में 24x7 24 घंटे सातों दिन। और यही नहीं, दुनिया की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन के ऊपर काम करती है ये मार्केट, ये इंडस्ट्री। अब आप कहेंगे अच्छा इतना तो हो गया, अगर आप गेस्ट हैं तो आप ऐसे आपके मन में विचार आ सकता है कि तो हमें अभी तक इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है। सर आपको इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक इस इंडस्ट्री को कुछ, मैं अभी तक का मतलब आज तक की बात नहीं कर रहा, मैं पिछले 6-8 महीने या 1 साल पहले तक की बात कर रहा हूं कि अभी तक इस इंडस्ट्री को किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रोत्साहन नहीं मिला जिसकी सामाजिक मान्यता हो, जैसे किसी यूनिवर्सिटी, किसी इंस्टीट्यूट, किसी बिजनेसमैन, किसी बिजनेस अकाउंट, किसी बड़े पॉलिटिशियन ने इस इंडस्ट्री को पिछले 1 साल पहले तक कभी भी सराहा नहीं। लोगों ने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके इस इंडस्ट्री को देखा, क्वेश्चन मार्क से। लेकिन आज, और यही एक वजह है कि आज इस इंडस्ट्री के अंदर देश में हम आपसे बात कर रहे हैं, यहां पर 2% से 3% का आंकड़ा है इस इंडस्ट्री के अंदर लोगों की एक्टिविटी को लेकर आपके देश में, और यही आज हमारे और आपके लिए संभावनाओं से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये 2 से 3% लोग कन्वर्ट होंगे जब अगले 10% के अंदर, तो आज और हम बहुत अच्छा कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। क्या जो बातें मैं कह रहा हूं ये बातें हो सकता है आपको डाइजेस्ट हो रही, आइए, क्योंकि आप मुझे भी नहीं जानते और हो सकता है मैं आपको भी नहीं जानता इस सेशन के अंदर, आप हो सकता है पहली बार मुझे सुन रहे हो, तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे कि जो कह रहे हैं कितना सही कह रहे हैं। तो किसी कोई ऐसा व्यक्ति कहे जिसको आप भी जानते हो तो थोड़ा सा मेरी बातों को बल मिलेगा और आपके लिए वो एक स्टैंप का काम करेगी। तो आइए किसी ऐसे व्यक्ति से इन बातों को आपके सामने रखवाने की कोशिश करता हूं इस इंडस्ट्री के बारे में, इस टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसको सुनने के बाद आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं कुछ तो आखिर बात। और फिर हम बात करेंगे इस इंडस्ट्री के आगे और अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर के कि इसमें किस तरह की संभावनाएं और किस तरह से हम आगे काम कर सकते हैं उस पर लेकर के। लेकिन पहले इन सज्जन पुरुष को समझ सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इनको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं आगे और सुनना चाहिए। तो इसलिए आइए सुनते हैं जरा इनको, और ये जो मैंने अभी तक जो बताया है ये उसका सारांश है, और इनके अपने मुखारविंद से आप सुनिए।
सी टेरा कोटा के मिट्टी के क्वाइन बनते थे, दुनिया चलती थी। वक्त वो दब गया, कभी तांबे के सिक्का है, कभी चांदी का है, कभी सोने का है, कभी चमड़े का है, धीरे धीरे करके कागज। अब ये बदलाव हम ही लोगों ने स्वीकार किया युग के अनुसार। अब वक्त आ चुका है कि अब कागज वाली करेंसी का वक्त जा रहा है, अब डिजिटल करेंसी हमको हमारे स्वभाव को बनाना पड़ेगा। बाबा आने वाले दिनों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी बड़ा अहम रोल रहेगा। इस तकनीक से सप्लाई चेन की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पाएगी, इससे हमें खेती में होने वाले लेन देन में पारदर्शिता आएगी। सबसे बड़ी बात, बिचौलियों की बदमाशी पर भी लगाम लगेगी और उपज की बर्बादी भी लगाम लगेगी। उज्जवल भविष्य के लिए हमने एक ट्रांसपेरेंसी लाने की आवश्यकता है, डिजिटल करेंसी की ओर जाने की आवश्यकता है। जगत कितनी तेजी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी मनुष्य को किस प्रकार से ड्राइव कर जा रहा है, अगर हम उसके साथ अपने आप को थोड़ा सा भी ओपन नहीं रखेंगे तो फासला इतना बढ़ जाएगा कि फिर हम इतने इरेलेवेंट हो जाएंगे कि हमें कोई पूछेगा तक नहीं, यह अवस्था दूर है। टेक्नोलॉजी पूरे इकोनॉमिकल एटमॉस्फेयर को चेंज कर सकती है, यह ताकत है इसकी। हम इसको किस प्रकार से प्रयोग में लाएं, और जीवन के हर क्षेत्र में हम इसको किस प्रकार से प्रयोग लाएं, हमने प्रयास करना है। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी सच एज ब्लॉकचेन एंड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स विल हैव अ डीप इंपैक्ट इन द वे वी लीव एंड वर्क। दे विल रिक्वायर रैपिड एडप्टेशन इन अवर वर्क प्लेसेस। कहता हूं, बड़े विश्वास से कहता हूं, आईटी प्लस आईटी इज इक्वल टू आईटी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस इंडियन टैलेंट इज इक्वल टू इंडिया टुमॉरो। इतने अपने विचार थे इस इंडस्ट्री को लेकर के, और अगर अब आपको लगता है कि हमें इस इंडस्ट्री के अंदर संभावनाओं पर विचार करना चाहिए, तो आपके लिए ये बेहतर समय। क्यों? क्योंकि दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री जब अपने अर्ली स्टेज पे रहती है, अपने शुरुआती दौर में रहती है, तो वहां पर बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं। जैसे जब टेलीकॉम इंडस्ट्री अपने ग्रोइंग स्टेज पर थी, तो उस समय सिर्फ मोबाइल फोन नहीं, उसकी एक्सेसरीज, जो मोबाइल के पीछे कवर लगा हुआ है ना, उसको बनाने वाले लोगों ने भी जो टर्नओवर था वो बहुत बड़ा किया। तो ठीक उसी तरीके से आज इस इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, लोग उन पर काम कर रहे हैं। कुछ लोग किस तरह से कर रहे हैं, कुछ लोग क्वाइन बनाने की जुगाड़ में लगे हुए हैं, कुछ लोग टोकन बना रहे हैं, कुछ लोग ब्लॉकचेन बना रहे हैं, कुछ लोग वॉलेट बना रहे हैं, कुछ लोग एक्सचेंज बना रहे हैं, अलग अलग तरीके से। तो वहीं पर आज हम आपसे बात करने वाले हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, चूंकि आज 10,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं, और हम बात करेंगे ट्रेड के पॉइंट को लेकर के कि अगर हम इन क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ट्रेड करने की कोशिश करें तो हमारे लिए क्या बेहतर संभावनाएं हो सकती हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं पहले ट्रेड के शब्द को। ट्रेड दरअसल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसको बाई और सेल कहते हैं, खरीदना और बेचना। जब भी हम खरीदने के लिए जाते हैं तो कोशिश ये रहती है कितना कम से कम पैसे में खरीदा जा सके, और बेचने के टाइम पर यह कोशिश कितना अधिकतम मूल्य में बेचा जा सके। तो यही जो डिफरेंस है वो एक तरीके का आपके प्रॉफिट आप कह सकते हैं। और जब ये शेयर मार्केट के अंदर है तो देन शेयर मार्केट ट्रेडिंग, जब आप फॉरेक्स के अंदर है देन फॉरेक्स ट्रेडिंग, जब आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर है तो देन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। अब इसमें रॉयल क्यू का क्या योगदान है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। रॉयल क्यू, आगे बढ़ने से पहले बेसिक चीज कि रॉयल क्यू क्वांटिफाई इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है, कैलिफोर्निया यूएसए से, हेडक्वार्टर सिंगापुर के अंदर। एक लाइन का सवाल, चल कहां से रहा है, सिंगापुर से चल रहा है। और यही नहीं, जब स्टार्टअप मिला भारत को मिला करके दुनिया के 15 देशों में, लेकिन आज जब इस सेशन को आपके सामने रख रहा हूं तो लगभग लगभग
40 देशों में 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर आज रॉयल के हो चुके हैं दुनिया के लगभग 40 देशों के अंदर। अब आप कहेंगे सर ये चाहिए 5 लाख वाला पहाड़ा तो आप रोज पढ़ते हैं, तो सर नया इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि फिगर अभी गूगल की तरफ से क्लियर आया नहीं। तो ये हो सकता है 6 भी हो चुके हो, 7 लाख भी हो चुके हो, 8 लाख भी हो चुके हैं, बट जब ये 10 लाख क्रॉस करेगा तभी वो नई अपडेट आएगी। तो इसलिए मैं तब तक ये 5 लाख वाला गाना गाता रहूंगा आपके लिए, बट मुझे ऐसा लगता है ये नंबर कम से कम 7 से 8 लाख हो चुके होंगे वर्ल्ड वाइड। मैं सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा हूँ रॉयल क्यू को लेकर के, और ये हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव है। रॉयल क्यू क्या है? सुपर इंटेलिजेंट एप्लीकेशन है जो कि 24 घंटे 7 दिन रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है, कहा क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के ऊपर। सबसे ज्यादा जो फेमस है रॉयल क्यू, वो जिस नाम से फेमस है उसको रोबोट कहते हैं। कि रॉयल क्यू क्या है? रॉयल क्यू एक रोबोट है। इसकी क्या आवश्यकता है? सबसे पहला ये इसकी आवश्यकता क्या है? अच्छा, रोबोट अगर आपके जहन में आता है वो रजनीकांत वाला रोबोट, तो ऐसा नहीं है। ये रोबोट के नाम से फेमस है बट ये दिखता आपको सुपर इंटेलिजेंट एप्लीकेशन के रूप में आपको आपके मोबाइल के अंदर है। तो इसकी आवश्यकता क्या है और क्यों आपको ये रॉयल क्यू की आपको जरूरत है, तो पहले आपको ये समझना चाहिए। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि रॉयल क्यू की आपको आवश्यकता क्या है। क्यों? क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर आवश्यकता नहीं होगी तो फिर आपको आप क्यों लेंगे किसी चीज की। तो जब हम बात कर रहे थे ट्रेड को लेकर के, क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग को लेकर के, तो आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग को लेकर। आज आप किसी भी प्लेटफॉर्म को आप ट्रेड के लिए चुन सकते हैं, ट्रेडिंग के लिए वहां पर जा सकते हैं। लेकिन हम बात करने वाले हैं दुनिया के 2 सबसे बड़े प्लेटफॉर्म, नंबर 1 बिनेंस और नंबर 2 वाबी। आज ये दोनों एक्सचेंज ट्रेड के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो यहां पर आप अपने अकाउंट को क्रिएट करके और ट्रेड जब करते हैं तो सबसे बड़ी चीज है आखिर ये सुविधाएं देते क्यों है, इनका अपना फायदा क्या है। तो ये एक्सचेंज में जब आप ट्रेड करते हो तो ये एक्सचेंज ब्रोकरेज लेते हैं, जब भी आप खरीदते हैं और जब भी आप बेचते हैं, दोनों कंडीशन में ये एक्सचेंज आपसे ब्रोकरेज लेते हैं और इन ब्रोकरेज के जरिए ही ये अपने प्रॉफिट को अर्न करते हैं, मुनाफा कमाते हैं अपना। तो अब एक आम इंसान होने के नाते जब हम इन एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करने के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं हमें ट्रेड के दौरान 3 बेसिक समस्याएं आती हैं। जब हम ट्रेड करने के लिए जाते हैं 3 तरह के हम प्रॉब्लम्स का सामना हमें करना पड़ता है। सबसे पहली प्रॉब्लम, जब हम ट्रेड करने के लिए जाते हैं प्लेटफॉर्म्स के अंदर, तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे लिए है वो ये है कि चूंकि ये मार्केट 24 घंटे 7 दिन काम करती है, ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। अब आप कह सकते हैं प्रॉब्लम कैसे, ये तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि 24 घंटे 7 दिन काम हो रहा है। आपके लिए अपॉर्चुनिटी देखने के लिए, बट जब ट्रेड में शामिल होते हैं तो ये आपके लिए मुश्किल बन जाता है। क्यों? क्योंकि आप 24x7 मॉनिटरिंग नहीं कर सकते, आपकी अपनी दैनिक आवश्यकताएं भी। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, आप एक्सपर्ट नहीं है इस इंडस्ट्री के, आपको नॉलेज नहीं है, तजुर्बा नहीं है काम करने को लेकर। किसी इंस्टीट्यूट, किसी कोचिंग, किसी यूनिवर्सिटी, किसी स्कूल, किसी किताब में कभी पढ़ाया नहीं गया इस इंडस्ट्री को लेकर, ये आपके लिए अपनी मेजर प्रॉब्लम है। और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है आपकी वो ये है, और ये किस इंडस्ट्री के अंदर नहीं है जो आप बताने जा रहे हो, वो है मनुष्य होने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये कि हमारे आपके अंदर एक लालच वाला फैक्टर काम करता है जिसको हम ग्रीड फैक्टर कहते हैं। ये 3 बेसिक प्रॉब्लम है जब हम यहां पर ट्रेड करने के लिए आते हैं। तो इन एक्सचेंज ने सोचा कि यदि इन प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाए तो लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कर पाएंगे। तो ये जो बिनेंस जो वर्ल्ड में नंबर 1 है, नंबर 1 का मतलब मालूम है कितना? नंबर 1 $100 अरब से ज्यादा का टर्नओवर करता है हर 24 घंटे के अंदर। सही सुन रहे हैं आप, इस फिगर को आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। एवरेज $100 अरब का टर्नओवर है हर 24 घंटे में। ये पैसा किसका है मालूम है? ये पैसा एक्सचेंज का नहीं है, हमारा आपका है, हम आप ट्रेड करते हैं इस प्लेटफॉर्म के। तो इन एक्सचेंज ने ये सोचा कि अगर जब ये 3 प्रॉब्लम है तो टर्नओवर $100 अरब का है, अगर इन 3 प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए लोगों को तो ये टर्नओवर तो हमारा बड़ा हो जाएगा और इससे हम ज्यादा से ज्यादा ब्रोकरेज कमा पाएंगे। तो इन एक्सचेंज ने
इन तीन प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे काम करते हुए एक सर्विस लॉन्च करी, सर्विस स्टार्ट करी, जिसको एआई कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थर्ड पार्टी ट्रेड। तो जब इनएक्शंस ने एआई सर्विस को लॉन्च किया तो इस इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट, जिनको सालों का एक्सपीरियंस था, तजुर्बा था, अनुभव था इस इंडस्ट्री के अंदर कैसे ट्रेड किया जा सकता है इसको लेकर के, तो उन एक्सपर्ट्स ने, जो एक्सपर्ट्स थे, उन एक्सपर्ट्स ने अपने एक्सपीरियंस को कन्वर्ट किया सॉफ्टवेयर के अंदर, अपने एक्सपीरियंस को कन्वर्ट किया सॉफ्टवेयर के अंदर, और आपको ऑफर किया, आपको मौका दिया कि इस हमारे बनाए गए सॉफ्टवेयर से आप एआई प्लेटफॉर्म के जरिए आप इस बिनेंस और वाबी के एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। नहीं क्लियर हुआ? जब इन एक्सचेंज ने एआई प्लेटफॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, तो इस इंडस्ट्री के जो ट्रेडिंग के एक्सपर्ट्स लोग थे, उन्होंने, उनको मौका मिला अपनी स्ट्रेटेजी को कैश करने का, एक्सपर्ट्स को मौका मिला अपनी स्ट्रेटेजी को कैश करने का, उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी को कन्वर्ट किया सॉफ्टवेयर के अंदर और आपको ऑफर किया कि आप हमारे सॉफ्टवेयर की मदद से इन एक्सचेंज के ऊपर दी गई सर्विस, एआई सर्विस से आप ट्रेड करके अपने लिए प्रॉफिट बुक कर सकते हो। नहीं क्लियर हो रहा है? और सरल करता हूं, टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर आपके पास प्रॉब्लम क्या थी? दूर बैठे बहुत सारे लोगों से आप बात नहीं कर पाते, आपको अगर कम्युनिकेट करना है। दूसरा, आप टेलीफोन को आप हर जगह लेकर घूम नहीं सकते थे। तो जब मार्केट, टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर जब BSNL, हज, SR, ट्रिंग, वोडाफोन, एयरटेल, जियो, इन कंपनियों ने नेटवर्क का ताना बाना बोला, जब तो सामने कौन आया? नोकिया, माइक्रोमैक्स, लावा, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल, इन लोगों ने एक डिवाइस बनाई और आपको ऑफर किया कि ये जो नेटवर्क है, इस हमारी डिवाइस को, हमारी डिवाइस पे इस नेटवर्क को इस्तेमाल करके आप दुनिया मुट्ठी में कर सकते हो। ठीक वैसे जब इन एक्सचेंज ने एआई प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, तो इस इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट थे, उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर, अपने एक्सपर्ट को सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट किया और आपको ऑफर किया कि हमारे सॉफ्टवेयर के जरिए आप इन एक्सचेंज के ऊपर एआई सर्विस के जरिए ट्रेड करके आप ट्रेडिंग को, क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग को अपनी मुट्ठी में कर सकते। तो जो एक्सपर्ट थे, इनका जो सॉफ्टवेयर है, वही है रॉयल क्यू। तो रॉयल क्यू क्या है? अब एक लाइन की बात कर लेते हैं। रॉयल क्यू क्या है? रॉयल क्यू एक्सपर्ट का एक्सपीरियंस है, रॉयल क्यू ट्रेडर की स्ट्रैटेजी है, और रॉयल क्यू क्या है? रॉयल क्यू आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। क्या है आपकी प्रॉब्लम? पहली प्रॉब्लम, आप 24 घंटे सातों दिन ट्रेड नहीं कर सकते, ये आपकी पहली प्रॉब्लम। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आपकी चूंकि ये मशीन है तो 24 घंटे सातों दिन ट्रेड कर सकती है, यहां पर भूख प्यास नींद वाली कोई समस्या ही नहीं है। और दूसरी, आप एक्सपर्ट नहीं है, दूसरी आपकी प्रॉब्लम। तो रॉयल क्यू क्या है? एक्सपर्ट का एक्सपीरियंस है, ट्रेडर की स्ट्रैटेजी है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। और तीसरी आपकी प्रॉब्लम, तीसरी आपकी प्रॉब्लम है, आपके अंदर ग्रीड फैक्टर है, लालच वाला। तो ये क्या है? ये तो मशीन है, इमोशंस फीलिंग्स इसके अंदर है नहीं, तो ये फंसा नहीं है ग्रीड फैक्टर के अंदर, तो इसलिए इसके अंदर लालच नहीं है, इसको प्रॉफिट मिला इसलिए चेक कर लिया। तो इसलिए रॉयल क्यू क्या है? आपकी तीनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो रॉयल क्यू को, रॉयल क्यू की आपको आवश्यकता क्यों है? रॉयल क्यू की आपको आवश्यकता ठीक उसी तरीके से है जैसे जीवन में जब भी कोई काम हम नहीं कर पाते, आप नहीं कर पाते, तो मशीन खरीद लेते हैं। हम कैलकुलेट नहीं कर सकते तो कैलकुलेटर खरीद लेते हैं, हम दूर बैठे साथी से बात नहीं कर सकते तो हम मोबाइल फोन खरीद लेते हैं, हम अकाउंटिंग नहीं कर सकते तो उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर खरीद लेते हैं, हम देखरेख नहीं कर सकते तो सीसीटीवी कैमरा लगवा लेते हैं, और हम
ट्रेड नहीं कर सकते तो रॉयल क्यों खरीद लेते? तो इसलिए आपको आवश्यकता है। अब नेक्स्ट ये कि सुरक्षा को लेकर के आपके जहन में जो प्रश्न आ सकता है वो ये कि यदि हम इन एक्सचेंज पर के द्वारा दी गई एआई सर्विस से इस सॉफ्टवेयर को लिंक कर लें तो कितना सुरक्षित रहेगा आपका अकाउंट जो आपके इन एक्सचेंज के अंदर, कितना सेफ रहेगा? तो चूंकि इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस तरह जब आप अपना पैसा अपने बैंक के अंदर रखते हैं तो बैंक के द्वारा दी गई किसी सर्विस से यदि आपके अकाउंट में कोई छेड़खानी होती है तो सवाल किससे पूछते हैं आप? बैंक से। प्रश्न किससे बनता है? बैंक से आप पूछते हैं और मैनेजर साहब का दिमाग खाते हैं कि जब आपके सामर्थ्य नहीं थी तो सर्विस दी क्यों। तो ठीक वैसे ही जब इन एक्सचेंज ने इस एआई सर्विस को दिया और अगर कोई दिक्कत होती है अकाउंट के ऊपर तो सवाल किससे बनेगा? इन एक्सचेंज से बनेगा। तो इन एक्सचेंज ने सोचा कि आखिर हम ऐसा करें ही क्यों, ऐसा काम कर देते हैं जिससे प्रॉब्लम ही ना हो। क्या? इन एक्सचेंज ने एआई सर्विस से विड्रॉल और ट्रांसफर पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया, पूरी तरह ब्लॉक कर दिया कि ना तो विड्रॉल होगा ना ट्रांसफर होगा, तो प्रॉब्लम होगी नहीं। फिर होगा क्या एआई सर्विस से? सिर्फ और सिर्फ ट्रेड होगी, बाय और सेल होगा, जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सलूशन मिलेगा सर इस एआई सर्विस के जरिए। अच्छा, अब आपके जहन में ये आ सकता है जो भाई साहब ये विड्रॉल ट्रांसफर की बात कर रहे हो, ये एक्सचेंज कहीं इस बात को रिटर्न में देते हैं क्या कि हम विड्रॉल ट्रांसफर नहीं करने देंगे? बिल्कुल देते हैं सर, साथ में बने रहिए। आगे की कुछ स्लाइड में आपको ये दिखाऊंगा भी कि कहां लिख करके दे रहे हैं। और अब आपके जहन में जो सबसे बड़ा और सबसे कठिन सवाल आपका, कितना इन्वेस्टमेंट है रॉयल क्यू के अंदर? तो सर सुनिए ध्यान से, जीरो, जीरो, एक रुपए का भी इन्वेस्टमेंट रॉयल क्यू के अंदर नहीं है। रॉयल क्यू कभी भी किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए आपको प्रोत्साहित नहीं करता है, क्योंकि पहले आपको यह समझना है कि इन्वेस्टमेंट कहते किसको। इन्वेस्टमेंट उसको कहते हैं कि जब आप अपने पैसे को बेहतर रिटर्न के लिए किसी दूसरे के हाथ में देते हैं, जहां पर कंट्रोलिंग आपके हाथ में नहीं होती। वो हाथ हो सकता है आपके बैंक का जहां पर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, वो हाथ हो सकता है किसी इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, किसी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन, किसी पैरा बैंकिंग कंपनी, किसी व्यक्ति विशेष का, जहां पर कंट्रोलिंग आपके हाथ में नहीं, आप निर्भर है दूसरे पर उस पैसे के वापस मिलने का। लेकिन यहां पर 24 घंटे सातों दिन आपका पैसा आपके बाइनेंस और वाबी के एक्सचेंज के अंदर रहता है, 24/7 आपके अपने कंट्रोल में रहता है 24 घंटे सातों दिन। तो इसलिए यहां पर इन्वेस्टमेंट शब्द इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि जो एक्सचेंज है ना, इसके अंदर आपका पैन, आपका आधार, आपकी बायोमेट्रिक, आपका ईमेल, आपका मोबाइल ओटीपी के लगा हुआ है, ओटीपी के लिए जब तक नहीं डालेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए 24 घंटे सातों दिन आपका पैसा आपकी मुट्ठी में रहता है, इसलिए यहां पर इन्वेस्टमेंट शब्द इस्तेमाल नहीं होता है। अब कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाता है रॉयल क्यू ट्रेड के लिए? क्योंकि आप तो पूछ सकते हैं बात कि भाई आप कह रहे हो एक्सपर्ट का एक्सपीरियंस है, ट्रेडर की स्ट्रेटेजी है, तो कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाता है? तो ये अपनाता है सर मार्टिंगल स्ट्रेटेजी। मार्टिंगल स्ट्रेटेजी किसे कहते हैं? एवरेज की स्ट्रेटेजी को कहते हैं। एवरेज और मार्टिंगल में उतना ही फर्क है जितना फोटोकॉपी और जेरोक्स के। एक उदाहरण के जरिए समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है और फिर हम आपको रियल फ्लाइट पे लेके चलते हैं कि सपोज कोई प्रोडक्ट है जिसकी कीमत एवरेज कैसे करते हैं, ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज कोई प्रोडक्ट है जिसकी कीमत 100 रुपए है, यदि आप उसको 100 रुपए का खरीद लें तो आपको एक पीस मिल जाएगा। यदि उसी प्रोडक्ट की कीमत कम होकर के 50 रुपए रह जाए, फिर से आपने 100 रुपए का खरीदा तो इस बार आपको 2 पीस मिल गया। यदि फिर से इस प्रोडक्ट की कीमत और कम होकर के 25 रुपए हो गई, फिर से आपने 100 रुपए का खरीदा, इस बार आपको 4 पीस मिल गया। और एक प्रोडक्ट की कीमत कम हो गई, 10 रुपए रह गई, फिर से आपने 100 रुपए का खरीदा, इस बार आपके पास 10 पीस। 100 रुपए वाला प्रोडक्ट की कीमत कितनी रह गई? 10 रुपए। और
टोटल आपने खर्च कितने कर दिए, 400 रुपए। पीसेस कितने हैं, 17। एवरेज कितना है, 400 डिवाइडेड बाई 17, यानी कि 23 रुपए 52 पैसे। इसका मतलब यह है, ये जो 10 रुपए प्रोडक्ट की कीमत हो गई है, प्रॉफिट के लिए वापस 100 रुपए जाने की जरूरत नहीं है। यदि इसकी कीमत बढ़ करके 24 रुपए हो जाए और सारे के सारे 17 पीसेज आप सेल कर दें तो आपको प्रॉफिट मिल जाए। यही तरीका है जो रॉयल की इसी स्ट्रैटेजी को अपनाता है। अब आपके मन में अगर यह सवाल आ रहा है, आखिर यही वाली स्ट्रैटेजी क्यों, आखिर यही वाली क्यों, बहुत सारी और दूसरी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, तो यही वाली इसलिए सर क्योंकि ये जिस मार्केट पे, जिस इंडस्ट्री पे काम करता है, वहां पर डोमिनेंस सिर्फ एक अकेले क्वाइन का है जिसको बिटकॉइन कहते हैं। ये मार्केट इस क्वाइन के इर्द गिर्द घूमती है, लगभग 42% डोमिनेंस है अकेले इस क्वाइन का इस मार्केट के अंदर। इसीलिए ये मार्केट ऊपर, बिटकॉइन ऊपर तो मार्केट ऊपर, बिटकॉइन नीचे तो मार्केट नीचे। इसीलिए सिर्फ ये स्ट्रेटेजी काम करती है इस मार्केट पे। अब बात कर लेते हैं, ये स्ट्रेटेजी जब अप्लाई होती है आपके अकाउंट के ऊपर तो किस तरह आपको चीजें दिखाई देती हैं, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं इस स्लाइड को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी महारथियों से निवेदन है कि आप अपने मोबाइल फोन को अपने हाथ में ले लीजिए और इस स्लाइड को आपको सुनना नहीं, देखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे नहीं तो ये आप चीजें आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, और लेकिन अब जो भी नंबर डिजिट आंकड़े आपको बोलने जा रहा हूं, ये रॉयल क्यू की बाय डिफॉल्ट स्ट्रैटेजी, इसमें ये बाय डिफॉल्ट है। इसमें अगर आपको अनुभव है, तजुर्बा है, तो आप फिर बदल कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, बट नहीं है तो आपको उंगली नहीं करनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये भी कहना चाहूंगा कि अगर ये वाली स्लाइड आप समझ गए तो इस बात को मैं दावे से कह सकता हूं कि रॉयल क्यू के अंदर ट्रेड आपके लिए बहुत आसान होने वाली है। आपको लगेगा अरे ये तो कितना सरल काम है, और ये भी आपको एहसास हो जाएगा कि बिना रॉयल क्यू के सपोर्ट के लिए क्रिप्टो के अंदर ट्रेड बहुत आसान भी नहीं। इसलिए ट्रेड के लिए ऐसा वाला आपके पास रोबोट होना जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं किस तरह ये अपनी स्कैश स्ट्रेटेजी के तहत काम करता है। सपोज बिनेंस के अंदर वॉइस क्लियर है हमारी, क्या जस्ट अ मिनट? यस सर, बिल्कुल साफ। ओके, थैंक यू। तो आइए बढ़ते हैं सर और समझने की कोशिश करते हैं। बिनेंस के अंदर सपोज आपके 200 यूएसडीटी रखा हुआ है, कितना, 200 यूएसडीटी, और रॉयल क्यू से आपने बाइंड होकर के ट्रेड आपने शुरू करी 200 यूएसडीटी पे। तो रॉयल क्यू फर्स्ट ऑर्डर जो लेता है वो 10 यूएसडीटी का लेता है, और जैसे ही इसने पहला ऑर्डर लगाया और मार्केट सपोज ऊपर की तरफ चल रही थी, दो ही चीजें होंगी, या तो ऊपर या फिर नीचे। तो यदि मार्केट ऊपर की तरफ चल देती है और 1.3% मार्केट ऊपर आने के बाद ट्रिगर ऑन हो जाता है प्रॉफिट को बुक करने के, ट्रिगर ऑन होता है, प्रॉफिट नहीं बुक करता है, ट्रिगर ऑन होता है, और इसके बाद जितना ऊपर जाएगा जाने देगा। जिस स्टेज पर 0.3 डाउन होता है, 0.3% डाउन होता है, इसी जगह पर यह सेल करता है और आपके लिए फिर से नया ऑर्डर जनरेट करता है 10 USDT, 10 USDT, आपको इस तरह से ट्रेड में बना के रखता है। जब भी खरीदेगा बेचेगा, खरीदेगा बेचेगा, ये आपको ट्रेड में बना के रखता है ऑलवेज। ये तो हो गया, प्रॉफिट में ऊपर जाता है तो क्या करता है। अब बात कर लेते हैं 10 USDT का ऑर्डर लगा और मार्केट नीचे की तरफ जाने लगी, क्योंकि डर तो लोगों के जहन में इसी बात का रहता है। अब यहां पर कैसे करता है, तो जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ जाने लगेगी 3.5% नीचे आने के बाद फिर से ट्रिगर ऑन हो जाता है। किस बात के लिए, मार्टिंगल स्ट्रेटेजी के लिए, एवरेज के लिए। अब जितना नीचे जाएगा जाने देगा, सपोज 6% मार्केट नीचे आ गई, जैसे 0.5% फिर से ऊपर आई, इस बार फिर से बाई करेगा ये $20 का,
क्यों? मार्टिंगल के लिए, एवरेज के लिए। अब यहां से उम्मीद है कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन नहीं गई, बात मान लेते नहीं गई, और नीचे गिरने लगी। तो जैसे और नीचे गिरने लगी, इस बार 4% नीचे आने के बाद फिर से ट्रिगर ऑन हो गया मार्टिंगल स्ट्रेटेजी। अब जितना नीचे जाएगा जाने दो, सपोज 8% और मार्केट नीचे, जैसे 0.5 फिर से इस बार ऊपर उठी, बाई करेगा $40 का। क्यों? मार्टिंगल के लिए, उम्मीद है कि इस बार फिर से ऊपर जाएगी, लेकिन नहीं गई, फिर से मार्केट नीचे गिरने लगी। सपोज 10% और गिर गई और डाउन हो गई 10%, जैसे 0.5 फिर से ऊपर उठा, इस बार ये बाई करेगा $80 का, या 80 USDT को कह सकते हैं बाई करेगा। अब अगर आप कैलकुलेट करें टोटल 80, 40, 20 और 10, इसका मतलब है कि 150 USDT का ऑर्डर लगा दिया है इसने। 150 USDT यानी कि हमारे पास कितना था, 200 USDT, 150 USDT का ऑर्डर लग गया है। अब होगा क्या? अब सपोज 10, 8, 6 लगभग अगर टोटल करेंगे 22 से 24% का डाउनफॉल, मार्केट नीचे आई, लेकिन अब इस 150 USDT के ऑर्डर में 80 USDT यानी कि 50% से ज्यादा सबसे नीचे बाय किया है, 50% से ज्यादा, तो 150 में 80 USDT, इसका मतलब है, और उसके अलावा 40 और 20 डिफरेंट स्टेजेस पे, इसका मतलब कि अगर ये 22 से 24% के डाउनफॉल में आपके इस अकाउंट पर रिफ्लेक्ट कितना होगा, बहुत ज्यादा, 7 to 8%। यदि मार्केट 7 से 8% ऊपर आ जाए तो आपका अकाउंट नो प्रॉफिट नो लॉस में, और इसके बाद जितना ऊपर जाएगा जाने देगा, लेकिन 1.3% पे ट्रिगर ऑन होगा। और सपोज 6% मार्केट ऊपर आ गई, जैसे 0.3 डाउन होगी, बस यही वो स्टेज है जहां पर ये सेल करेगा कंप्लीट 150 USDT के ऑर्डर को, यही बेच देगा और फिर से $10 का नया ऑर्डर लगा देगा। इसी तरह से 24 घंटे सातों दिन रॉयल क्यू आपके अकाउंट पर काम करके आपको प्रॉफिट निकाल के देने की कोशिश करता है। अब लेकिन एक प्रश्न यहां पर और है, इसको भी कवर कर लेता हूं वरना बाद में आपके मन में आएगा, वो ये कि ये 80 USDT का ऑर्डर लगने के बाद मैंने आपसे कह दिया कि मार्केट ऊपर आ गई, लेकिन अगर यहां से भी मार्केट नीचे गिर जाए तो क्या होगा? अब सुनो ध्यान से, यहां से जितना नीचे जाएगा जाने देगा, जैसे ही 0.5 फिर से ऊपर उठेगा, इस बार $80 का ऑर्डर लिया था, इस बार लगाएगा 160 का। अब आप कहेंगे कि सर ये 80 USDT यहां लेने के बाद टोटल 150 इसने खरीद लिया, आपके पास 200 USDT है, $50 यहां पर बचे हुए हैं, 160 का ऑर्डर लेना है, कैसे लेगा? तो हम कहेंगे सर नहीं ले पाएगा। तो अब आप कहेंगे मेरे 150 USDT का 150 USDT का क्या होगा, ये तो बताइए। तो सुनो ध्यान से, जब 160 लेने की बारी आएगी तो एक नोटिफिकेशन आपको मिलेगा इनसफिशियंट फंड, अगर आपके पास है तो यहां पर आप प्लस कर दीजिए टोटल में, नहीं है कोई बात नहीं। अब सुनिए सबसे खास और पते की बात कि रॉयल क्यू कभी भी किसी भी ट्रेड में लॉस बुक नहीं करता, किसी भी ट्रेड को माइनस में कभी सेल नहीं करता, ये खासियत है रॉयल क्यू, कभी भी नहीं करता। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि सर प्रोग्रामिंग नहीं है बुक करने, किसी भी ट्रेड को माइनस में कट नहीं करेगा। फिर ये 150 का क्या होगा? ये सर होल्ड होगा, रॉयल क्यू इंतजार करेगा वापस से इस ऑर्डर को प्रॉफिट में आने का, और जैसे ही इसके ट्रेडिंग जोन में आएगा ये प्रॉफिट बुक करके सेल करके आपको प्रॉफिट बुक करके आपको देगा, और तब तक ये इंतजार करेगा, किसी भी ट्रेड को माइनस में कट नहीं करता है, ये खासियत है इस रोबोट की। अब आप कह सकते हैं कुछ ऐसे एक्सपर्ट बैठे हुए इस मीटिंग के अंदर,
जो ये भी कह सकते हैं ये मार्टिंगल स्ट्रेटजीज और आपने जो एवरेज वाली बताई है ये हर जगह सर काम नहीं करती है। उसके पास एक्सपीरियंस है ना, तजुर्बा है, ऐसे लोग बैठे हैं इस मीटिंग के अंदर,